तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी देख रहे हैं आप, स्कॉर्पियो NA महिंद्रा की, क्या कह रहे हो? पता है मुझे, हाँ भाई वो तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें ऐसे अपडेट आ गए हैं वो आपको नहीं पता होगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो N का Z8 सिलेक्ट वेरियंट है ये, और इसके अंदर तीन ऐसे फीचर आ गए हैं, तीन ऐसे अपडेट आ गए हैं जो अभी हाल ही में करे गए हैं, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। पेट्रोल ऑटोमेटिक है, प्राइस की बात करें तो 18,60,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। अब आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं इसमें। महिंद्रा इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बोल के मार्केट कर रहे हैं, और ये है भी आपको जो है वो 17 लाख रुपये एक शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं, बेसिकली जो पेट्रोल मैनुअल होगा वो सबसे सस्ता होगा, फिर पेट्रोल ऑटोमेटिक है, डीजल मैनुअल है, डीजल ऑटोमेटिक है, बाकी आप मेरे सामने जो दिख रही है पेट्रोल ऑटोमेटिक है। अब जो सारी ही लाइट्स हैं वो LED मिल जाएंगी, आप देख सकते हो किस तरीके से रहने वाली हैं, एंड काफ़ी सुंदर दिखती हैं। एंड सेम आपको जो है वो नीचे फॉग लाइट भी मिल जाएंगी, एंड वहाँ पर DRL भी आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं रहेगा आपने लोअर वेरिएंट लिया है, नीचे का वेरिएंट लिया है। और आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो इसमें नहीं मिलता है Z8 सिलेक्ट में, इसके अलावा सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको Z8 L में आती है, टॉप वेरिएंट में आती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा खासा है, इट इज़ सुंदर लग रही है दिखने में काफ़ी। एंड भाई इसी के साथ साथ आपको सीक्वेंशियली टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं कि जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड ये भी काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको, दिखने में सुंदर लगते हैं। ये व्हील्स जो हैं वो अलॉय व्हील आएंगे आपको 17 इंचेस के प्रोफाइल के टाइप, 17 इंचेस के साथ 245/65 R17 ये आपकी जो है वो प्रोफाइल रहने वाली है। एंड आपको अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो 18 इंचेस आते हैं, इसमें आपके 17 इंचेस आते हैं। बाकी आपको साइड पे फुट स्टेप भी मिलेगा जो कि अभी अंदर रखा हुआ है, वो भी जो है वो गाड़ी के साथ ही आएगा। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, ड्राइवर वाली साइड पे देख लेते हैं कि वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हाँ जी, तो डोर हैंडल्स पे जो है वो आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है इस वाले वेरियंट में। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि विंडो के अराउंड में आपको क्रोम की ये जो लाइनिंग है ये मिल जाएगी पूरी यहाँ तक, एंड ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एड्रीनोक्स है तो एड्रीनोक्स आपको यहाँ पर बैज मिल जाएगा, बाकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो सेम ही रहने वाली है 57 लीटर्स की। अब आ जाते हैं पीछे, रियर प्रोफाइल में आपको वाइपर डिफॉगर आता है, ऊपर जो है वो आपको शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। एंड गाड़ी में भाई सनरूफ भी आता है, तो सनरूफ की बात भी करेंगे अंदर चल के कि सनरूफ का साइज़ वगैरह क्या रहने वाला है, बट उससे पहले हम पीछे कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जो स्पेयर टायर है वो नीचे ही मिलेगा, एंड ये आपका जो है वो स्टील व्हील रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको रियर के रियर फॉग लाइट्स मिल जाती है। बाकी पीछे चलते हैं एंड देखते हैं कि पीछे आपको जो सीट्स वगैरह है वो फोल्ड हो रखी हैं, बेसिकली गाड़ी अभी ट्रांसपोर्ट से ही आ रही है तो आपको 7 सीटर वेरियंट में आती है ये। आपको पीछे जो है वो कोई भी AC का कंट्रोल, बेसिकली ब्लोअर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, आपको टायर इन्फ्लेटर वगैरह लगाने, बाकी इसके अंदर जैक वगैरह रखा जाता है। अच्छी बात क्या है कि ऊपर आपको जो है वो कि थर्ड रो में भी अब आपको जो है वो केबिन लाइट मिल जाती है दोनों ही तरफ, बाकी बीच में तो आगे आती है बीच वाले रो के लिए, पैसेंजर के लिए, और फ्रंट में भी आपको जो है वो मिल जाती है। अब सबसे आगे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे डोर हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। अब बाकी स्पेस वगैरह गाड़ी में अच्छा खासा आता है, आपकी फैमिली है, 7 लोग आपका परिवार है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है स्पेस के लिए। आप यहाँ पे ये वाला वीडियो देख सकते हैं, बेसिकली Z2 का है वो, लेकिन स्पेस सेम ही रहने वाला है। आप देख सकते हो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, सीट ऑल द वे पीछे कर रखी है मैंने, उसके बावजूद भी इतना कुछ मेरे को स्पेस मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट ओके है, हेडरूम आप देख सकते हो बहुत है, और यहाँ पे आपको हैंड ग्रैब करने के लिए हैंडल भी मिल जाएगा। पीछे आपको जो है वो AC वेंट मिल जाएगा, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डोर पैड पे ये सॉफ्ट टच मिल जाएगा, ये पूरा पियानो मिल जाएगा, एंड ये सारे ही डोर पैड में मिलेगा आपको। ये जो डोर हैंडल्स है ये देख सकते हो सिल्वर इंसर्ट के साथ आते हैं, यहाँ पर भी आपको ग्रैब करने के लिए अच्छा सा फिनिश दे रखा है। बाकी यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाएगा, ऊपर ये केबिन लाइट है, और जो है वो आपको सेंटर में रियर AC वेंट भी मिलता है, और टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। अब गाड़ी के जो है वो अंदर चल के देखते हैं कि आपको अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही देखेंगे गाड़ी की जो सीट्स है ये पूरी लेदर की अपहोल्स्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये रहने वाली है। ओके, पीछे इसलिए नहीं जा रही है, पीछे सामान रखा हुआ है। और सेंटर कंसोल आप देख सकते हो कि ये पूरा ही पियानो रहने वाला है। ऑटो है ये, बेसिकली पेट्रोल ऑटोमेटिक है ये वेरियंट, और यहाँ पर आप देख सकते हो डोर पैड किस तरीके से रहने वाला है। और जो डैशबोर्ड है इस पर भी आपको जो है वो पूरा सॉफ्ट टच मिलने वाला है, बेसिकली ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये सॉफ्ट है, बाकी सारी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक रहने वाली हैं। ग्लोव बॉक्स आप देख सकते हो डिसेंट साइज़ का है, सिर्फ आपका जो है वो यूज़र मैनुअल ही आ पाएगा गाड़ी में, इसके अलावा और कुछ नहीं रख पाएंगे आप। बाकी सेंटर कंसोल में जो है वो सारी चीज़ें उस तरफ चलकर हम देखते हैं। बाकी जी आप डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो किस तरीके से, इसमें आपका जो है वो क्रूज़ कंट्रोल आता है, यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स हैं, जो स्टीयरिंग है ये लेदर रैप्ड आती है, स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी है, एंड ये जो टिल्ट के फंक्शन के साथ ही सिर्फ आपको मिलेगी, इसमें भी आपको जो है वो कोई रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लस्टर कैसा है, यहाँ पे आप क्लस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती है,
यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है उसको चलाने के लिए, बटन आपको मिलेंगे सारे यहाँ पे, कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो ड्राइव इन्फो है, फ्यूल इन्फो है, डिजिटल स्पीड है, व्हीकल इन्फो है, नेविगेशन वगैरह है, सारी चीज़ें आती हैं। ये आपको जो है वो एक स्क्रीन मिल जाएगी अराउंड 8 इंचज़ की, जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे चला सकते हो, और ये जो है ये वायरलेसली चल जाता है, तो इसमें भी आपकी जो है वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपडेट की मैं बात कर रहा था, बेसिकली वायरलेस चार्जर आ गया है अब, और ये जो सेंटर का कंसोल है इसमें पियानो आ गया, पहले मैट फिनिश में आता था Z8 सिलेक्ट में। बाकी 2 कप होल्डर है यहाँ पे, बाकी पूरा पियानो रहने वाला है। इसके नीचे आपको जो है वो अगेन यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगी, डीप तो नहीं है ये, लेकिन आप अपना छोटा मोटा सामान इसमें भी रख सकते हैं। अभी नया अपडेट आया है, स्कॉर्पियो एन टॉप वेरियंट में आएगा, जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स आ गई है, ये जो ऑटो डिमिंग IRVM आ गया है, बट वो वाली गाड़ी अभी डीलरशिप पे अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आएगी उसका भी वर्कअराउंड हम आपको बनाकर देंगे पॉसिबली। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी पूरा पियानो रहने वाला है, सॉफ्ट टच है, एंड चारों पावर विंडो आपको जो है वो मिलेंगे ही, वो तो स्टैंडर्ड आते हैं बेसमेंट से ही। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल IRVM आता है आपको, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं, एंड यहाँ पे जो फोल्ड का फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। तो यही सारी चीज़ें रहने वाली हैं, बाकी स्पेस वगैरह प्रॉपर है, आप यहाँ पे देख सकते हो पैरों के पास भी प्रॉपर डेड पेडल वगैरह है, और यहाँ पे लेवलर है, ये सारे डमी हैं, यहाँ पे कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलते हैं। अच्छी बात क्या है कि की होल में जो है वो इल्यूमिनेशन आती है, एंड की आपको लगाना पड़ेगा, आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली चेंजेस क्या आए हैं। आपको 2 चेंजेस मैंने बता दिए कि Z8 सिलेक्ट में आपको वायरलेस चार्जर तो मिलता ही है, और हाई ग्लॉस सेंटर कंसोल मिलता है, जो कि पहले मैट फिनिश में आता था। सेम चीज़ आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8 वेरिएंट में भी आती है, लेकिन अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स और ऑटो डिमिंग IRVM लेना है तो आपको Z8 लग्जरी खरीदना पड़ेगा, और उसमें जो वायरलेस चार्जर भी आएगा, बेसिकली वायरलेस चार्जर और हाई ग्लॉस पैनल उसमें भी आएगा, सेंटर कंसोल जो है, लेकिन वायरलेस चार्जर जो होगा वो कूलिंग के साथ होगा, वहाँ पे एसी की वेंट की हवा आ रही होगी, फ़ोन ठंडा होता रहेगा। प्राइस डिफरेंस कितना है? प्राइस डिफरेंस 10,000 रुपये का है, मोस्टली वेरिएंट में, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। अगर आप एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, जो कि Z8L ऑटो 4-व्हील ड्राइव है, उसमें कोई प्राइस डिफरेंस नहीं आया है। इस वाले वेरिएंट में जिसकी मैंने वीडियो बनाई, इसमें 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, और मोस्टली वेरिएंट में 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंट है। अगर आप Z8L मैनुअल लेते हैं तो उसमें मात्र 500 रुपये का प्राइस डिफरेंट है पहले के मुकाबले।